तो ऐसी बात है कि जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, उस दिन क्या होता है, घर वाले बोलते हैं कि कुछ स्पेशल बनाओ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, खाना बनाना जानता हूँ, तो इसका फ़ायदा घर वाले भी उठाते हैं। तो इस फायदे को देखते हुए आज मैंने तैयार किया है राजमा, मतलब तैयार नहीं किया, अभी प्रोसेस में है, तो आइए आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि राजमा को पहले उबाल लिया जाता है, तो राजमा उबल चुका है, और जैसा कि देखिए आप, काफ़ी अच्छा उबला है। और ये टमाटर को हमने पीस लिया है, प्याज को पीस लिया है, यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है, और इधर हल्का सा प्याज को वो करके वो और मिर्ची डाल के अब इसका हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ताकि प्याज जो है थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है, तो अब इसमें हम ये डाल लेते हैं, जो ये हमने पेस्ट बनाया था उसको हमने दबा लिया है। इसमें पानी भी थोड़ा मैंने ग्राइंड करते वक्त थोड़ा सा डाल दिया था, इसलिए इसमें थोड़ा वाटरी वाटरी सा हो रहा है। तो अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि इसमें पानी है, तो पानी को सूखने देंगे। थोड़ा हमने फ्लेम को कर दिया है हाई से थोड़ा कम, और इसको पकने के लिए देंगे। जब ये थोड़ा पक जाएगा तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, इसके बाद मसाले, और इसके बाद राजमा। राजमा बनाते बनाते हमने बना लिया है ये लेमन टी। क्योंकि प्याज का पेस्ट भी हो गया है ब्राउन, तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटर का पेस्ट, और इसको भी थोड़ा भून लेंगे। हमने मिला दिया है ढेर सारा मसाला, मतलब ढेर सारा स्वाद अनुसार मसाला, जो भी है, हल्दी है, धनिया है, मैंने तो ये कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा राकेश का मीट मसाला भी डाल दिया है। स्वाद अनुसार मसाला आप डाल सकते हैं, आपको जैसा ही पसंद हो। ये मैं फूड ब्लॉगर के जैसे क्यों बात कर रहा हूँ। मसाला मिलते ही तो इसका तो कलर बदल गया। एक्चुअली इसका कलर काफ़ी डार्क है, कैमरे में पता नहीं चल रहा है, बट काफ़ी अच्छा कलर है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। गई है वो शुभ घड़ी जब हम मिलाएंगे राजमा को इस ग्रेवी में। तो इस राजमा को मैंने बहुत सारा मिला दिया था, अब थोड़ा सा और है, क्योंकि ग्रेवी थोड़ा ठीक रहेगा तो चावल के साथ खाने में मज़ा आएगा। ऐड कर देते हैं ये कूटा हुआ, जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना, उन सबको मैंने कूट के एक मसाला बना लिया था, और ये ऊपर से थोड़ा सा स्वाद के लिए, मतलब ये थोड़ा फ्लेवर को बढ़ा देगा और एरोमा को भी। तो ये मिला देते हैं, और अपना राजमा बनके तैयार। तो जिसको इसको खाना है जल्दी से आ जाइए, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। हमने कर लिया है थाली को तैयार। ये है राजमा, चावल, पापड़, आलू और पटल का, परवल का भुजिया, और ये है सलाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तू भी खा ले, लोल को फोड़ देंगे, लोल को फोड़ देंगे, जो बीच में आके हाथ लगा देते हैं। गैस आपको खा के बताते हैं, सुपर सुपर गाइस, बहुत ही बढ़िया।